की थाली कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और करवा चौथ की आप सभी बहनों को ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी का सुहाग हमेशा सलामत रखे। तो वीडियो स्टार्ट हो चुका है और मैं भी तैयार श्यार होकर बैठी हूँ। और ये देखिए, पहली बार ही मैचिंग की है मैंने, कभी ऐसे मैचिंग नहीं की है सूट के साथ, चूड़ियों के साथ। बस रेड मैरून ही ज़्यादा डालती हूँ, लेकिन आज पहली बार बिटिया रानी ने मैचिंग की है। बेटियाँ होती ऐसी हैं, ये देखना। और हाथ में मेहंदी नहीं है, सिर्फ एक ही हाथ में लगी है। दिखाऊँ आपको ये वाली, देखो ये भी रात को बहुत लेट लगाई है। तो चलिए फिर वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सुबह के जो भी काम होते हैं वो निपटा कर मैं आ चुकी हूँ फिर से दुकान में। और यहाँ पे हंसी मजाक चल रहा था और बाय बाय कर रहे हैं आपको। तो आपको करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएँ जी। तो दुकान में कर लेते हैं काम। तो शाम के 4 बज चुके हैं और जो मत्था वगैरह पूजा वगैरह टिकती है जो हमारे, वो 4 बजे के बाद ही करते हैं हम। जैसे भी करते हैं अपने रीति रिवाज होते हैं हमारे गांव में, तो हम तो ऐसे ही करते हैं शुरू से ही। और 17-18 साल के बाद आज पहली बार ऐसा है करवा चौथ जैसे मैं अकेले ही पूजा कर रही हूँ। नहीं तो देवरानी और मैं दोनों इकट्ठे ही करते थे। आज वो मायके गई हुई है क्योंकि उसकी भतीजी हुई है, भाभी की बेटी हुई है उनकी, तो वो वहाँ पर है। और इतने सालों बाद अकेले ही पूजा करूँगी। वैसे तो मम्मी है, हमेशा साथ रहते हैं मम्मी। आज भी मम्मी ही बुलाए हैं, मम्मी बैठे हैं यहीं पे ही। तो चलिए फिर पढ़ लेते हैं कथा वगैरह, जो पढ़ते हैं वो खुद ही पढ़ेंगे और ऐसे ही जैसे भी शुरू से जो भी करते आए हैं वही करेंगे। तो आप लोग भी आ जाइए। वगैरह हो चुकी है, खाना बनाने की तैयारी कर लेते हैं।
यहाँ पे मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता, उसमें प्याज वगैरह लहसुन वगैरह जो होते हैं वो भून कर इसमें ही डाल दिए मैंने टमाटर, और इसमें ही डाल दिए सूखे मसाले, वही सिंपल सा बनाऊंगी। और कसूरी मेथी भी डाल दी है, टमाटर डालकर थोड़ी देर पकाऊंगी। तो टमाटर पक चुके हैं, अच्छी तरह से गल चुके हैं, अब इसमें डाल देंगे जो बैंगन भून के रखे हुए थे वो। तो इसे डालकर भी ढककर अभी 5 मिनट के लिए और पकाऊंगी। वैसे तो भरता बन ही चुका है, और बीच में फिर से मैं दुकान में जाऊंगी, दुकान से आ चुकी हूँ। बीच में मैंने दाल बनाई थी, तो भरता बन चुका है, दाल भी बन चुकी है, ये है चावल और खीर। खीर मम्मी ने ही बना दी थी, और यहाँ पे है भरता, और रोटी भी बन चुकी है, बस अब चांद निकलने की बारी है। और यहाँ पे बड़ी खेल रहा है, ये देखना, बच्चा है, छोटा बच्चा है, अभी मस्ती कर रहा है। तो इस वीडियो को भी कर देते हैं यहीं पे एंड। रात को जो वीडियो बनाया था वो पता नहीं कैसे डिलीट हो गया, तो चलो वीडियो का तो एंड करना ही था। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, और इस वीडियो का कर देते हैं यहीं पे एंड। करवा चौथ की सभी को ढेरों शुभकामनाएँ।